गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और हम यहाँ पर बालेवाड़ी स्टेडियम आ चुके हैं। और बालेवाड़ी स्टेडियम क्यों? क्योंकि हम सुबह जल्दी उठे थे और मैंने सोचा क्यों ना हम कार्डियो ख़त्म कर लेते हैं। सो अभी हमारे 6000 स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं और आज हमारा ऑफिशियली कट ख़त्म हो रहा है, फिर भी हम एक कार्डियो सेशन लगाने आए हैं। क्यों? क्योंकि कार्डियो सिर्फ कट में नहीं करते, आप बल्क पे हो, कट पे हो या मेंटेन कर रहे हो, आपको कार्डियो करना चाहिए। सो मैं भी अपना कार्डियो कंप्लीट करने आया था। अभी हमारे 6000 स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं और बाकी के 4000 स्टेप्स हम शाम को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज हमें एक फ्रेंड के साथ वर्कआउट करने जाना है और उसे मैं आपको आगे इंट्रोड्यूस कराऊँगा। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं इवॉल्व जिम, और आज हम इवॉल्व ट्रेन करने के लिए जा रहे हैं, वो भी एक नए दोस्त के साथ। मैं यूजुअली साकेत या आर्यन का शूट करने जाता हूँ, बट आज हम ट्रेन करने के लिए जाने वाले हैं। और मेरा घर और इवॉल्व जिम 19 किलोमीटर दूर है, सो मैं वहाँ पर ट्रेन करने के लिए हर रोज़ नहीं जा सकता। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि तू इवॉल्व जिम क्यों नहीं जाता ट्रेन करने, तो यही एक रीज़न है। शूट होता है तो चलता है 19 किलोमीटर्स का, हम 25-26 भी जाएंगे, बट रोज़ आना जाना ट्रेनिंग के लिए वो थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं होता। और आज का ये ट्रेनिंग सेशन थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं और मेरा दोस्त बहुत दिनों से ये प्लान कर रहे थे, बट मेरे कट की वजह से और उसके एग्ज़ाम्स और फिर मेरे एग्ज़ाम्स आए, इसलिए हमारा प्लान हो नहीं पा रहा था। बट आज हमारा फाइनली कट भी ख़त्म हो रहा है और उसके भी एग्ज़ाम्स नहीं चल रहे, सो आज हमने प्लान किया है, सो आपको मिलवाता हूँ उससे। सो हमें यहाँ से इवॉल्व जाने के लिए 40-45 मिनट्स लगते हैं। सो हम ऑन द वे केले खरीदेंगे, जो कि हमारा प्री वर्कआउट होगा। सो लेट्स गो, देखते हैं कैसा ट्रेनिंग सेशन होता है। तो मीट देवराज, सो इसी की मैं बात कर रहा था और हम बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि साथ में वर्कआउट करेंगे। यस, सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, तो मेरा नाम देवराज है, जैसा उसने बताया। बट मेरा, अगर आप लोग ने नहीं देखा है यूट्यूब, सो बेसिकली हम एक बहुत क्रेजी वीडियो अपलोडिंग स्ट्रीक पे है। आई थिंक मैंने इन अ रो 170 कुछ वीडियोस अपलोड किए, एंड उस पूरे जर्नी का जो पर्पस है वो बस मेरी प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंट करना है। एंड हाँ, एंड आई फील लाइक कि मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था ना, मैं बहुत हेजिटेट करता था कि मेरा बॉडी तो है नहीं, कौन वीडियो देखेगा कि नहीं। बट आई रियलाइज़ कि अगर आपका पैशन स्ट्रॉन्ग है ना, तो लोग आपको आपके बॉडी नहीं, आपके पैशन और आपके मोटिवेशन की वजह से देखेंगे। एंड मेरा गोल भी यही था कि मैं दूसरे लोग को इंस्पायर कर सकूं कि वो भी अपना जो वीडियोग्राफी एंड डॉक्यूमेंटिंग जर्नी है वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट करें, बिकॉज आई फील लाइक बहुत लोग ज़्यादा वेट करते हैं, सोचते हैं कि मेरी बॉडी बनेगी एंड देन हम वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करेंगे, बट वैसा नहीं होना चाहिए। एंड आई फील लाइक मेरा चैनल सिर्फ फिटनेस के अराउंड सर्कुलेटेड नहीं है, मैं हमेशा ये चीज़ पर एम्फोसाइज करता हूँ कि फ़िटनेस के अलावा भी आपके लाइफ में कुछ गोल्स होने चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में काम में आए। तो इफ यू वांट चेक दैट आउट यू कैन, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रहा हूं। और यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड मैं भी ट्राई कर रहा हूँ अभी अपलोड करना। तो आज क्या ट्रेन करें? आज अपन चेस्ट शोल्डर सेम स्प्लिट है ना, सेम फोर डे स्प्लिट बेस्ट स्प्लिट, फोर डे स्प्लिट सुप्रीमेसी। तो आज मैं पहली बार 32.5 उठाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा कट खत्म हो गया है। सो देखते हैं कितने रेप्स जाते हैं। यप, चल ऑल यू, हेल्थ स्टेबल कर रहा हूँ, इजी ब्रो। चल टू मोर, चल चल, ब्रीद, एक और स्लो, एक और नेगेटिव आने दे। नाइस, गुड सेट। कितने रहे? बहुत गए, 6-7 गए। मैं सिर्फ 25 केजी का डंबल लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत वीक हूँ एज कम्पेयर टू अवधूत। सो और मैं यूजली डंबल इंक्लाइन कभी करता नहीं हूँ, तो आज थोड़ा चेंज होगा एंड चेंज इज फन, तो लेट्स गो। अप, इजी,
पुश टू पुश इजी बॉय नाइस पुश इजी स्लो स्लो पुश पुश स्लो रिस्ट पकड़ के रख हाँ हाँ पुश स्लो नेगेटिव अच्छा सेकेंड सेट फॉर बैक ऑफ्स इजी पुश पुश चल 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 बहुत है अभी एक नंबर गो चल 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 एक और है डीप ब्रेथ ले लंबा सांस ले पुश 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 है नाइस ब्रो पुश 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 Good side of it. Not netty. दो इंक्लाइन के सेट्स हो गए अब दो हम फ्लैट मशीन के करेंगे सो हम इन टोटल छः सेट्स करते हैं दो इंक्लाइन दो फ्लैट और दो फ्लाइज के फिर उसके बाद हम शोल्डर्स करेंगे सो देखते हैं फर्स्ट सेट कैसे जाता है चल पुश तीन और स्लो पुश इजी चल एक और एक और एक और एकदम स्लो पुश पुश हाँ एकदम आराम से आने दे हाँ एक नंबर यप स्लो पुश चल 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 इजी पुश 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 वन मोर स्लो स्लो पुश पुश नाइस सेट एक नंबर तो नेक्स्ट हम क्या करें अभी हम लोग दो सेट करने वाले हैं मशीन शोल्डर प्रेस पे मैंने अवधूत को पूछा वो यूजुअली क्या करता है उसने बोला वो तीन सेट करता है बट अभी हम लोग ऑलरेडी चार सेट पूरी प्रेसिंग मूवमेंट के कर चुके हैं उसमें से भी दो सेट इंक्लाइन के थे दैट मीन्स हमारा जो फ्रंट डेल्ट रहता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें एक्टिवेट होता है इसलिए मेरे को पर्सनली मशीन शोल्डर प्रेस है कोई भी शोल्डर प्रेस पे दो से ज़्यादा सेट्स करने का पॉइंट नहीं समझ में आता है क्योंकि अगर आपके फ्रंट डेल्ट थोड़ा ओवरली डेवलप हो जाते हैं ना वो आपके लुक को थोड़ा किल कर देते हैं दैट्स वाई अपने रियर डेल्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो ऑल्दो हम आज वो ट्रेन नहीं करने वाले बट ओनली टू सेट्स बट ऑल आउट सेट्स करेंगे फुल इंटेंसिटी के साथ सो लेट्स गो और क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 20 केजी के साथ आई थिंक 10 रेप्स किए थे इसलिए मैं आज एक 2.5 इच सेट डालूंगा एंड हम प्रोग्रेस करेंगे सो लेट्स गो तो लास्ट टाइम जब मैंने चेस्ट और शोल्डर्स ट्रेन किया था मैंने साकेत के साथ ट्रेन किया था एंड उसने एक शोल्डर प्रेस के लिए टिप बताया था कि जब भी अपन शोल्डर प्रेस कर रहे हैं ना बहुत लोग सेफ्टी रीजंस के लिए
अपने एल्बोज टक्ड इन रखते हैं, जो वैलिड है, बट उससे क्या होता है, आप खाली खुद देखो, हाथ ऐसे रखो और थोड़ा ऊपर पुश करने का ट्राई करो, देखो तुम्हारा ट्राइसेप कितना एंगेज हो रहा है, वेराज थोड़ा सा साइड में रखोगे ना, ट्राइसेप कम्प्लीटली डिसएंगेज होता है और जो भी लोड है वो एक्चुअली शोल्डर पे आता है। तो आज हम लोग वही करने का ट्राई करेंगे, एल्बोज लिटिल फ्लैट आउट ताकि हमारा बायस मेन फ्रंट डेल्ट पे रहे। सो लेट्स पुश। हमको सिर्फ 5 या 6 रेप आए एंड बहुत लोग सोचेंगे कि 5 to 6 रेप्स एक बहुत छोटा रेप रेंज है फेल करने के लिए। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि यार शिट सिर्फ 5-6 रेप आए, वेट कम करते हैं वापस से सेट करेंगे, बट ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखो 20 के साथ 10 रेप्स किया था और मेरे को कोई भी प्रेसिंग मोमेंट में 6 to 10 से ज़्यादा बियॉन्ड रेप रेंज में ट्रेन करना अच्छा नहीं लगता। तो आज मेरे को 6 रेप आए, तो मैं अपने नोट्स के ऐप में लिखूंगा कि आज मेरे को 6 रेप आए, देन वो उस पर हम लोग बिल्डअप करेंगे 6, 7, 8, 9, 10 एंड अगेन वापस वेट बढ़ाएंगे। तो जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ रेप्स कम हो गया डजेंट मीन दैट तुम्हारा सेट खराब था, इट जस्ट गिव्स यू मोर रूम टू ग्रो। तो एक और सेट करेंगे, उसमें मैं ऑब्वियसली सेम वेट नहीं रखूंगा, थोड़ा कम करूंगा एंड एक हल्के से हायर रेप रेंज में फेल करने का ट्राई करेंगे। तो लेट्स गो। मैं यूजुअली डंबल से करता हूँ फॉर हेड प्रेस मूवमेंट, तो यहाँ पर देवराज ने मेरे लिए इंक्लाइन डंबल प्रेस किया इसलिए मैं मशीन प्रेस कर रहा हूँ शोल्डर के लिए। सो सेम वेट लूंगा, देखता हूँ कितने जाते हैं। गाइस मैं मॉक होने वाला हूँ अभी। चल पुश, टू इजी रे, थोड़ा ज्यादा डालना चाहिए था। Not bad. तो लास्ट एक्सरसाइज फॉर द चेस्ट डे लैटरल रेसेस, बेस्ट शोल्डर का एक्सरसाइज मेरे हिसाब से,
इससे अच्छा मेरे को कुछ भी फील नहीं होता अपने साइड डेल्ट्स पे, डंबल्स केबल्स कुछ भी करो, बट मैंने रिसेंटली लैटरल रेजेस बहुत स्लो एंड कंट्रोल करने का ट्राई किया। एंड द रीज़न मैं ये करता हूँ मालूम है, सारे मूवमेंट्स हमको स्लो एंड कंट्रोल क्यों करने चाहिए बेसिकली, क्योंकि जब हम लोग अपना प्रोग्रेस मेजर करते हैं ना, आई नो कि बहुत लोग करते होंगे अपने नोट्स के ऐप में या कहीं पे भी, तो पहले मैं क्या करता था कि बस एक एक्स्ट्रा रेप लाने के लिए थोड़ा सा ईगो लिफ्ट करता था, एंड नेक्स्ट वीक जब मेरा वो मसल ग्रुप वापस ट्रेन करने का टाइम आता था तो मैं भूल जाता था कि मैंने ईगो लिफ्ट किया था वो लास्ट रेप के लिए, और उस दिन में भी रेप्स थोड़े कम आएंगे, एंड उससे आप डिसहार्टन हो सकते हो कि यार शिट लास्ट वीक 7 रेप आए, आज सिर्फ 6 आए, मैं शायद से वीक हो गया हूँ ये वो। बट ऐसा प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा अगर आप अपने रेप्स को एज आइडेंटिकल एज पॉसिबल रखने का ट्राई करोगे और एकदम अच्छे कंट्रोल के साथ रखोगे। एंड ऑफ कोर्स लॉन्ग रन में ये टाइप ऑफ ट्रेनिंग सस्टेनेबल भी है, बिकॉज आपके जॉइंट्स को ज़्यादा खतरा में नहीं रहेंगे। तो या 3 सेट करेंगे यहाँ पे अच्छे से, एंड आज का चेस्ट डे ख़त्म करेंगे। चेस्ट डे बेस्ट डे ट्रूली आज प्रूव हो गया है, तो लेट्स गो। ओह शिट, पहनने का ना मेरे को ये। खतरनाक, ये मेरा बेस्ट टाइम है। ब्रो फुल चेस्ट, बीच में दिख फाइबर वाइबर दिख रहे हैं। ये बेस्ट आर्नल्ड साइड ट्राइसेप मारे, ये नहीं आता मुझे कोई तो जो आता है वो। वर्कआउट रेटिंग्स 11 सेम ईयर सेम ईयर, जल्दी बनता है गुड का हाँ, प्रोटीन सब सब हिट होता है उससे मैक्रोज, एंड थोड़ा पीनट बटर डाल दो फैट भी। मैं पीनट बटर नहीं खाता, क्यों? वेजिटेरियन हो ना तो पनीर में मुझे अच्छा खासा फैट मिल जाता है। तू पनीर हर दिन खाता है? हाँ, घर से बनाता है कि? नहीं नहीं, अमूल का। अमूल का? अरे हाँ। तू घर पे बनाने का ट्राई कर, बट वो बहुत लंबा प्रोसेस है ब्रो। अरे नहीं, मैं तेरे को बताता हूँ, मेरी मम्मी से पूछ के बताता हूँ। चलेगा।
अंगावर मास नाही पण टाकलेला खात नाही परिस्थिती वाईट तरी मन मारून राहत नाही ना त्यांचे धागे जोडून किशानी फाटलाय मैदानी खेळ खेळून चिकला आणि माकलाय मी पुस्तक पण वाचतो नि रस्ते पण जाणतो.